السلام عليكم يا أهل القبور
भला हो आपका। जज़ाक अल्लाह, यकीनन आप अल्लाह के कोई नेक बंदे ही हैं। मेरा नाम मोहम्मद सदीक है। मैं आपकी दाएं जाने वाली कब्र में हूं। जब से मुझे इस कब्र में दफन करके गए हैं, मैं मुसलसल कब्र के अजाब और सख्ती में मुब्तला हूं। मेरी कब्र में बहुत अंधेरा है। मुझे लगता है मैं आग के किसी तंदूर में हूं। मेरी प्यास खत्म ही नहीं होती। अब आपके इस जिक्र की बदौलत अभी इस कब्र के अजाब से महफूज हुआ हूं। कब्र की सख्ती और अजाब की वजह तेरा कौन सा अमल बना? नमाज। बचपन से 40 साल की उम्र तक मैं हमेशा यही सोचता रहा कि अभी बड़ा वक़्त पड़ा है, नमाज भी पढ़ लेंगे। मैं हमेशा नमाज पर दुनियादारी के कामों को तरजीह देता रहा। दिन रात फानी दुनिया के लिए सब कुछ इकट्ठा करता रहा, मेरे पास नमाज के लिए वक़्त ही नहीं होता था। क्या तेरे वारिस तेरे लिए कुछ नहीं करते? जिस औलाद के लिए दिन रात एक करके इकट्ठा करता रहा, मुझे दफन करने के बाद वही औलाद मुझे भूल गई। अब इनको कौन समझाए कि दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं। कम से कम दुनिया में, कब्र में और रोजे कयामत नमाज ही काम आने वाली असल चीज है। अल्लाह ताला तुझे अजाब कब्र से महफूज फरमाए। और मैं भी कभी कभी दुनियादारी के कामों में मसरूफ होके नमाज से गाफिल हो जाता हूँ। हम दुनिया में इस कदर जी लगा लेते हैं कि हमें मरना याद ही नहीं रहता, और जब मौत का वक़्त आता है तो चाहने के बावजूद भी दोबारा मौका नहीं मिलता। मैं चलता हूं और इस बारे में तुम्हारी औलाद को जरूर आगाह करूंगा। हो सकता है उनमें से कोई नमाज पढ़ना शुरू कर दे और उसकी वजह से तुम्हारी कब्र का अजाब खत्म हो जाए। السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية الصلاة
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं अपनी शॉर्ट फिल्म लाहद को शूट करने। ये पीछे हमारे कब्रिस्तान है पूरी लोकेशन में, और ये हमारी कास्ट में अब्दुल रजाक साहब हैं। अब्दुल रजाक साहब के साथ ये मुज़म है, मुज़म भाई कर दें, सब ठीक है। और ये ताबिश और वो असद है, और ये बैकग्राउंड पे आप सारा कब्रिस्तान भी देख रहे होंगे। लाइट्स, कैमरा रोल एंड एक्शन। जज़ाकअल्लाह, यकीनन आप अल्लाह के कोई नेक बंदे ही हैं। ताली लेने तो हुआ ना, ऐसा क्या मन हुआ?